हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वाउ स्किन साइंस के न्यूली लॉन्च्ड राइस वाटर एंड लेवेंडर शैम्पू का। और ये शैम्पू ब्लू कलर की पंपिंग बॉटल में आता है। इसका प्राइस है 449 रुपीज़, जिसमें आपको 300 ml क्वांटिटी के साथ 2 ईयर्स की सेल्फ लाइफ मिलती है। और फ्रेंड्स, ये पैराबिन सिलिकन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और सूटेबल है ऑल हेयर टाइप्स के लिए। फ्रेंड्स, इसको मैं लास्ट 20 डेज से यूज़ कर रही हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ मेरा ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ इस शैम्पू को लेकर। सो सबसे पहले मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये शैम्पू जेल काइंड ऑफ टेक्सचर में आता है, कलरलेस है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ही तो बहुत ज़्यादा थिन है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। इसकी फ्रेग्रेंस भी माइल्ड है, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है राइस वाटर एक्सट्रैक्ट। राइस वाटर एक्सट्रैक्ट हमारे डैमेज हेयर को रिपेयर करता है और हमारे बालों को स्ट्रेंथ देता है। और इसमें है राइस कैरेटिन प्रोटीन, ये हमारे बालों को सॉफ्ट स्मूथ मैनेजेबल बनाता है, बालों में जो फ्रीजीनेस होती है उसको दूर करता है, बालों से ड्राइनेस को दूर करता है और हमारे हेयर को स्ट्रेंथ देता है और हमारे बालों में शाइन एंड वॉल्यूम लेकर आता है। और इसमें है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल हमारे स्कैल्प में जो इरिटेशन होती है उसको सूथ करता है और हमारी स्कैल्प को और बालों को रिफ्रेश करता है। सो ये तो हो गए इसके मेन इंग्रेडिएंट। और फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट आप इसके बैक में यहां पर नीचे देख सकते हैं, ये इसकी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट है। फ्रेंड्स, ये शैम्पू क्लेम करता है कि ये आपको डीपली नरिशमेंट देता है, आपके बालों को नरिशमेंट देता है और आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करता है और आपके बालों में शाइन लेके आता है। सो यस, मैंने कल ही मेरे बालों में शैम्पू किया था और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे बालों में शाइन है, वॉल्यूम है और मेरे बाल मैनेजेबल लग रहे हैं, सिल्की भी लग रहे हैं, अदरवाइज मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। सो अभी आप देख सकते हैं मेरे बालों की कंडीशन, कल मैंने ये शैम्पू यूज़ किया था। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही कि फर्स्ट टाइम यूज़ से ही आपके बाल बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे, सॉफ्ट स्मूथ सिल्की हो जाएंगे या आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बट अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आपको आपके बालों में डिफरेंस देखने को ज़रूर मिलेगा। मुझे इसको यूज़ करते हुए जब 2 वीक्स हो गए थे उसके बाद मुझे थोड़ा सा डिफरेंस अपने बालों में नज़र आने लगा। फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम जब मैंने इसको यूज़ किया तो जैसे मेरे बाल थे वैसे ही थे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया या फिर डिफरेंस जो था वो विजिबल था, नहीं। आफ्टर 15 डेज मैंने नोटिस किया कि हाँ, मेरे बाल मैनेजेबल हैं, बालों में शाइन आई है, इसको यूज़ करने से बालों में वॉल्यूम भी आई है और थोड़ा बहुत हेयर फॉल में भी फ़र्क पड़ा है। ऐसा नहीं है कि हेयर फॉल आपका एकदम कंट्रोल हो जाता है, बट नहीं, आपको डिफरेंस देखने को मिलता है कि ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, बालों में शाइन एंड वॉल्यूम आ जाती है और आपके बाल सिल्की लगते हैं इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद। सो ये शैम्पू मुझे अच्छा लगा है, मैं नहीं कहूँगी बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है, नहीं, बट अच्छा है, इसके रिजल्ट अच्छे हैं। सो अगर आप इस शैम्पू को एक ट्राई देना चाहते हैं, इसको परचेज करना चाहते हैं, तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर वीडियो हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।